सत्चैतन्य सत्संग एक ऐसी चीज है जिससे आपका लोक भी बनता है परलोक भी बनता है। और ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आपके दोनों जहां बनते हों, लोक भी बने परलोक भी बने। क्यों बन जाता है ऐसा? सत्संग में आकर के समझ बढ़ती है और जहां समझ है वहीं सुख है, जहां समझ है वहीं रास्ता है, वहीं से तुम सच्चाई पा सकते हो। सत्संग में विधि मिल जाती है, ध्यान करने की, भजन करने की, अपना जीवन संवारने की विधि मिल जाती है, तरीका। उस तरीके में एक विशेष तरीका है नाम का, जिसका सत्संग से प्रेम हो जाए उसकी लगन बढ़ जाती है, उसकी प्यास बढ़ जाती है कैसे परमात्मा से मिले, तो उसके लिए नाम जरूरी हो जाता है। एक सरल विधि है, ये बहुत सरल तरीका है। नाम से मन को एकाग्र करने में सहायता मिलती है, संसार के कष्ट हैं, दुख हैं, सुख हैं, इनको पार करने में मदद मिल जाती है और अंत में हम स्वरूप तक पहुंच जाते हैं। तो नाम कोई जटिल तरीका नहीं है, नाम दे दिया जाता है, उसका सुमरण बता दिया जाता है कि इसका सुमरण करते रहो, चलते फिरते, खाते पीते, उठे बैठे, ये सुमरण करते रहो, तुम्हारा लगाओ इससे परमात्मा से जुड़ जाएगा और संसार से हट जाएगा। उठे बैठे खड़े उतारे कहें कबीर हम उसे ठिकाने, कुछ भी करते रहो, बड़ी सरल विधि है। काम काज करते हुए और कुछ करते हुए उठते बैठते नाम का जप कर सकते हो। नाम की कमाई आपके साथ जाएगी। इस संसार की तो कोई कमाई आपके साथ नहीं जा सकती, केवल नाम की कमाई। जितना नाम जपोगे उतनी कमाई हो जाएगी। जैसे जितने रुपए जोड़ोगे उतने रुपए हो जाएंगे, तो नाम का भी यही है। नाम को वैसे ही ना समझें, ये तुम्हारा लोक परलोक का साधन है, इस जीवन में ठीक से जीने का साधन है, परलोक में जीवन व्यापन का भी साधन है। कोई भी कठिनाई आती है जय इसके नाम के जाप से वो निकल जाती है। कोई कष्ट, कोई टोटा, कोई नफा, कुछ भी आए
वो ऊपर से उतर जाता है। जैसे आंधी आए, आंधी आती है पेड़ों के ऊपर से गुजर जाती है। जो पेड़ थोड़े लचीले होते हैं, नरम होते हैं, वो बच जाते हैं। जो करड़े सख्त होते हैं वो टूट जाते हैं। करड़े सख्त कौन से होते हैं? जिनके पास नाम नहीं होता, उनके पास नरमाई नहीं होती। तो आंधी आए, तूफान आए, कष्ट आए, कुछ भी आए, जिसके पास नाम हो वो आंधी, वो तूफान, वो दुख ऊपर से उतर जाएगा, आपको हिला नहीं पाएगा। लेकिन बात जब की है, जब सही से नाम का आधार पा लिया हो, बनावटी नाम ले लिया हो, अमल ना हो, जप ना करते हो, तो छोटी छोटी तकलीफ तुमको तोड़ कर चली जाएंगी। और नाम का आधार पूरा है, अच्छी तरह से उसका जपते हो, उसमें विश्वास करते हो, कठिनाई आएंगे, दुख आएंगे, सब पास हो जाएंगे। प्रहलाद भगत की बात सुनी होगी, वो क्यों बचा रहा था, कितने कष्ट उस पर आए, पर्वतों पर से गिरा दिया गया, कुछ नहीं हुआ, गिरता गिरता भी नाम जपता रहा, बह नहीं आया, गिरता गिरता भी नाम जपता रहा, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, हाथियों ने इसको उल्टा नमस्कार कर दिया, नाम जपता रहा। तो नाम जपते रहो, अग्नि में बैठा दिया तो नाम जपता रहा, अग्नि ऊपर से उतर गई। ये नाम की महिमा के लिए कहानियां हैं ऐसी ऐसी, सीता की तुमने सुना होगा, देखा होगा कि जब रावण आता था उसको तंग करने के लिए, तो एक सूखा तिनका रखती थी। जब रावण आता तो सूखे तिनके को उठाकर देखने लग जाती, उस पर एकाग्र हो जाती, सूखे तिन पर उसका ध्यान चला जाता, रावण से हट जाता। अगर सूखा तिनका ना हो ध्यान टिकाने के लिए, तो ध्यान कहाँ जाएगा? रावण पर जाएगा। रावण से ध्यान हटाने के लिए वो सूखे तिनके को उठा लेती और उसको एक टक देखती रहती, ध्यान बट जाता, उधर ना जाता तो बच जाती। ये नाम है, इसको आप तिनका समझें, सहारा समझें। कहते भी हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा होता है। इसका मतलब ये है कि कुछ भी सहारा कठिनाई में समय में मिल जाए तो कठिनाई उतर जाती है। एक यात्री हुआ, उसने अमेरिका की खोज की थी, अमेरिका महाद्वीप की। उसे नहीं पता था कि महाद्वीप कहाँ है, तो उसने 6 महीने का राशन अपने जहाज में रख लिया खोज के लिए। खोजी ऐसा ही करते हैं, वो नहीं देखते आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे देख लेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर खोज नहीं हो सकती, भय पकड़ लेगा। तो उसने 6 महीने का 4 महीने का राशन अपने जहाज में रख लिया और समुंदर में उतर गया। कहते हैं उसका राशन खत्म हो गया बीच में, लेकिन हुआ क्या, एक तिनका बहता हुआ दिखाई दे गया उसको समुंदर में। उस तिनके से अंदाजा लगा लिया कि किनारा नज़दीक है।
उसको आश्वासन मिल गया, ताकत मिल गई, हौसला हो गया तिनका देखने से कि तिनका कहाँ से आएगा, किनारे से ही आया होगा। तो उसको विश्वास हो गया तिनका देखने से कि किनारा नज़दीक ही है, बढ़ता रहे। कुछ दिन भूखा प्यासा रह के किनारे भर चला गया। तो ये नाम आपका सहारा है, मैं समझाने के लिए ये बातें बताता हूँ। इसको ना छोड़े, जो नहीं छोड़ता वो पार हो जाएगा। ये लोक तो बन ही जाएगा, इसमें तो शांति से रहोगे, इसकी तो कठिनाइयाँ ऊपर से उतर जाएंगी, लेकिन जब जब सही आधार होगा नाम का, जब सही उसके अंदर विश्वास करते होगे, जब उसका जप करते होगे, जब उसका धन आपने जोड़ लिया होगा, मरते वक्त भी आपको ये काम आएगा। वो कैसे आएगा? जिसने नाम की कमाई कर ली है, जिसने अपना ठहराव पा लिया है भीतर, तो जब वो मरेगा, ये सही बात बताता हूँ, उसको विकराल चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, धमके दूत डरावनी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। सही से उसने अपना सुकर्म कर लिया, ध्यान कर लिया नाम के जरिए से, मरोगे तो आपके सामने अच्छी तस्वीरें आएंगी, सुंदर सुंदर आएंगी। गुरु का स्वरूप भी आ सकता है, परमात्मा गुरु का स्वरूप लेकर के आपके सामने आन खड़ा होगा। मरते वक्त किसी को आंसू नहीं आएंगे, पैर नहीं पीटेगा, तड़पेगा नहीं, उसको मोह ममता नहीं सताएगी, सामने गुरु स्वरूप खड़ा है। ये जब की बात है, तुमने पूरा विश्वास परमात्मा बना लिया हो, नाम में बना लिया हो, और नाम का जप अच्छा कर लिया हो, नाम की कमाई कर ली हो, तो मरते वक्त भी आपको भय नहीं पकड़ेगा, इस संस्कार का लगाव नहीं पकड़ेगा। तो कितनी बढ़िया बात है, मरने से सब डरते हैं ना, डर नहीं पकड़ेगा, मरना तुम्हारे लिए एक दरवाज़ा बन जाएगा सुख से दूसरे संसार में जाने का। भीतर के भी लोक हैं, जैसे ये लोक है आपको दिखाई दे रहा है ये पृथ्वी लोक, ऐसे भीतर भी पृथ्वियां हैं, लोक हैं, मंडल हैं, उनमें जाने का भी ये दरवाज़ा है। सुख से जाओगे, आनंद से जाओगे। तो नाम बड़ी अच्छी चीज़ है, मरने से नहीं डरोगे, अगले लोक में सुख से रहोगे। अगर अगले लोक में ज़्यादा नहीं रह सकते, जल्दी से लोक में आ जाओगे, फिर भी तुमको अच्छी जगह मिल जाएगी, अच्छे माता पिता मिल जाएंगे, अच्छा रास्ता मिल जाएगा, विद्वानों के घर जन्म हो जाएगा, सत्संग की लाइन फिर मिल जाएगी। और अच्छी आपने कमाई कर ली है नाम की, तो तुम्हारी मर्जी है जन्म लो या ना लो, जन्म ले सकते हो चाहो तो, नहीं ले सकते चाहो तो, तुम्हारी मर्जी, तुम स्वतंत्र। इस स्वतंत्रता को, इस आज़ादी को मुक्ति बोलते हैं, कि जन्म लो या ना लो। भीतर के लोकों में वैकुंठ है, स्वर्ग लोक है, सतलोक है, ये नाम दिए उन्होंने, उनमें जाकर के आप शांति से सदा रह सकते हो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहाँ भी किस चीज़ में रहोगे? इस पृथ्वी पर रहते हो, रहते तुम शरीर में ही हो, चाहे अपने घर में रहते हो, चाहे किसी पहाड़ों में गुफाओं में जाकर रहते हो, कहीं पर भी रहो, तुम रहो तो कि शरीर में, और शरीर में कौन है? तुम हो। तो दूसरे लोक में भी चाहे चले जाओ, चाहे वहाँ रह भी लो इस पृथ्वी की तरह से, फिर भी रहो तो गे स्वरूप में। जो स्वरूप में रहेगा वो आनंद में रहेगा, यहाँ रहो चाहे भीतर रहो। तो नाम की कमाई यही है असल में, कि धीरे धीरे तुम अपने भीतर ठहराव पाने लगोगे। भीतर ठहराओ, अपनी आत्मा में ठहराओ, खुद में ठहराओ, पाने लगोगे, वो तुम्हारा ठहराओ स्वरूप में ठहराओ हो,
वो बड़ा ज्ञानवान स्वरूप है, वो बड़ा आनंद से परिपूर्ण स्वरूप है, वो बड़ा तृप्त स्वरूप है, वो बड़ा विशाल स्वरूप है, वो अनंत स्वरूप है, वो नित्य है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो नाम को वैसे ही ना समझो, तुम नाम की कमाई कर लिया करो, इस संसार में भी सुख से रहोगे, आगे के लोकों में भी सुख से रहोगे, जन्म लो या ना लो तुम्हारी इच्छा के अधीन हो जाएगा और स्वरूप में ठिकाना तुमको मिल जाएगा। तो जिसके पास नाम हो तो बहुत बढ़िया, नाम ले लेने में कोई हर्ज नहीं है, उसका जाप कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। खाली सत्संग सुनने से शांति मिलती है, संतोष मिलता है, लेकिन तुम ध्यान विधि और कर लो तो सुनने पर सुहागा है। अभी एक शब्द बोला था, जिन्हें नाम रसायन कर लेना उन बार बार नहीं मरना, जिन्हें नाम रसायन कर लेना उन्हें जीवन सफल कर लेना। नाम रसायन का क्या मतलब? नाम का जप, नाम के जप से तुम्हारे जीवा पर अमृत पैदा होता है, एक लार सी पैदा होती है, ऊपर सिर से ऊपर को भी आती है, बड़ी स्वादिष्ट ठंडे किस्म की होती है, उसको आध्यात्म में बोल देते हैं अमृत। वो शरीर के भी कई रोग दूर कर देती है, दिल के भी कई रोग दूर कर देती है, मन के भी कई रोग दूर कर देती है। जो ऊपर की आमी है वो नाम जपने से आ जाती है, एकाग्र होने से आ जाती है, तुम्हारे अंदर का रस पैदा हो जाता है, इसलिए उसको नाम रसायन बोल देते हैं। और फिर बार बार नहीं मरना, मरते तो अब भी नहीं हो क्योंकि आत्मा अमर है, शरीर छूट जाता है तुम मरते तो फिर भी नहीं, तुम बच जाते हो, फिर कहीं दूसरा जन्म हो जाता है, अमर तो आप पहले ही हो, लेकिन जो अमर है उसका बोध आपको नहीं है, उसका बोध तुमने पाना है। कहने का मतलब है फिर तुम्हारी मृत्यु ना हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे लिए मृत्यु नहीं रहेगी, शरीर मरेगा तो तुम नहीं मरोगे, तुम बार बार नहीं जन्मोगे, तुम अमर हो, तुम्हारा भाव बन जाएगा कि हम नहीं जन्मते। और जन्म लेना बुरा भी नहीं है, किसी को अगर स्वरूप मिल गया है अपना, भीतर का ज्ञान हो गया है, जिसको भीतर ठहराव मिल गया है, वो जन्म लेने से क्यों डरेगा? नहीं डरेगा, डरना तो उसको चाहिए जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको ठहराव नहीं है, जिसको संतोष नहीं है, जिसको समझ नहीं है, जिसको बंधन पकड़ लेते हैं, उसके लिए है डरना। अगर तुमने अपने भीतर चले गए हो, तुम्हें ज्ञान समझ सब आ गया है, तो जन्म लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, ले लो, तुम्हारा क्या बिगड़ता है। अभी बात चली थी कि महाराज जी आप तो जन्म नहीं लोगे, मैंने कहा मैं तो जन्म से नहीं डरता, मैं तो ले लूँगा, अब भी जन्म लिया हुआ है मेरा क्या बिगड़ा हुआ, मैं तो ठीक आनंद से प्रेम से रहता हूँ, सबसे ठीक संबंध है, मुझे कोई दुख नहीं है, कोई लालच नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई लगाव नहीं, मैं तो अब भी खुश हूँ, अभी ठीक हूँ, तो जन्म लेने मेरे को क्या हर्ज है, तुम भी ऐसी अवस्था में आ जाओ तुमको भी क्या हर्ज है। इसलिए सत्संग आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता है इस बात को लेकर के कि मुक्ति हमारा लक्ष्य नहीं है, आपका तो जन्म लेना ही लक्ष्य है, बार बार पूर्ण हो जाएं और बार बार जन्म लें और इस जगत का परोपकार करें, परोपकार के लिए जन्म लो, अच्छी बात है। ये आगे की विधि है इस सत्संग की, हम नहीं कहते कि मुक्ति में तुम्हारा अंत हो जाएगा, नहीं, तुम आगे भी हो, मुक्ति से भी आगे हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम आज़ाद हो, तुम जन्म ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, आकर के तुम संसार का भला भी कर सकते हो, अच्छी बात है, जन्म लेना बुरी बात नहीं है। जन्म से ही डरोगे तो करोगे क्या? जन्म तो अच्छी बात नहीं है,
मृत्यु तो तुमको बुरी लगती होगी, जन्म तो अच्छी लगती होगी। तो जन्म तो बहुत अच्छी चीज है, तुम जन्मो, अपने आप को जन्म दो तो जन्म से डर नहीं लगेगा। अपने आप को जन्म देने का मतलब क्या, नाम का जप करो। एक तो माँ जन्म देती है, एक तुम जन्म ले लो अपने आप से। और तुमको अपना स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, आत्म ज्ञान है, आत्मा है। जब वो तुमको मिल जाएगी, तुम्हारी प्रकट हो जाएगी अपना ही स्वरूप, तो समझो तुम्हारा आत्मिक जन्म हो गया। शरीर का जन्म होता है ये बात एक, तुम्हारे अंदर आत्मा प्रकट होती है ये बात दूसरी। आत्मा प्रकट हो तो तुम्हारा एक और जन्म हो गया। इस जन्म को इसी जन्म में कर लो, ये और कोई जन्म नहीं देगा तुमको, तुम ही दोगे जन्म। लेकिन देगा कौन, जिसको समझ होगी, जो समझ का पालन करेगा। समझ का पालन नहीं करेगा तो कैसे होगा। समझ के बारे में ऐसा है कि हम बताते हैं बहुत समझ की बातें, लेकिन पालन नहीं कर पाते। तुम भी समझ लेते हो बात ठीक है, लेकिन खाली वो ठीक है, पालन नहीं है उस पर। पालन और हो जाए तो समझ जो है फल ले आएगी। समझ के अनुसार तुम कुछ ना करो, उसका पालन ना करो तो कोई फल नहीं आएगा। वो समझ खाली तोता रटन है, तोते की रटन है और कुछ नहीं है। वो समझ किसको समझ नहीं है, सारी चीज़ों की समझ है। जहाँ बैठे हैं यहाँ पर सबको पता है, लेकिन पालन कौन करता है समझ का। दूसरे को समझाने में तो कुशल हैं, खुद को समझाने में फैल हैं। दूसरे को समझाओ तो ऐसे अपने आप को भी तो समझाओ। अपने आप को समझाने लग गए तो बात बन गई, अपने अनुसार चलने लगे तो बात बन गई, नहीं चले तो बात नहीं बनेगी। एक फकीर था, वो किसी गांव में आकर के ठहर गया, जैसे ये मंदिर है यहाँ ठहर गया। रात को ठहरा, सुबह उसने चलना था तो एक सेवक कहने लगा कि महाराज इस रास्ते से ना जाइयो, इस रास्ते से जाइयो। क्यों भाई, इस रास्ते में क्या बात है। जिससे मना करता है कि जिस पर एक सांप रहता है, वो सांप जिस भी यात्री को देख लेता है भाग के लड़ जाता है, उसको को रोक नहीं सकता और उसकी मृत्यु वहीं हो जाती है। आप इस रास्ते पर ना जाइयो। कहने लगा मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा। नहीं कहते तो नहीं भी जाता, अब जाएगा, नहीं जाए तो डर है, जाना है, डर नहीं तो जाना ही है। डर तो नहीं है इसलिए उसी रास्ते से जाएगा, डर ये तो रोकता है सभी रास्तों से। तो उसी रास्ते से चला गया महात्मा, सांप ने तो आना ही था। उसको डसने के लिए आया तो महात्मा ने ऐसे हाथ के आके भाई ठहर, थोड़ी देर में डस लेना। तो सांप ठहर गया ऐसा करने से। कहने गया कि मेरी बात सुन। उस सांप को महात्मा कहने लगा कि मेरी एक बात सुन। कि सुनाओ, क्या सुनाना है, थोड़ी देर की बात तो डस ही लेना है, एक बात सुनने में क्या हर्ज है। लेकिन महात्मा की एक बात सुन लेते हैं तो बात बन जाती है, एक भी तो नहीं सुनते, एक भी सुन लेते तो बात बन जाए। तो उस तो पता था महात्मा ने, तो एक भी सुन ली तो बात बन जाएगी, लेकिन सुन ले तभी तो, अनसुनी कर दे तो फिर कुछ नहीं। उसने सांप से कहा कि भाई सांप देख, ये कहानी है समझाने के लिए, कि भाई सांप देख, सांप की योनि जब मिलती है जब बुरे कर्म किए हों, सांप की योनि अधोगति बोलते हैं। पीछे पता नहीं कितने उल्टे काम किए होंगे, कितने पाप किए होंगे, इसलिए सांप की योनि मिली है। और अब भी तू उल्टे काम कर रहा है, अभी तो बुरे काम कर रहा है, आगे क्या होगा तेरे साथ, अंदाजा लगा के देख ले।
अब तो छोटा सांप है, आगे अजगर बनेगा तू तो पीछे की ध्यान रख के अपना अच्छा कर्म शुरू कर दे, अब लड़ना छोड़ दे ताकि तेरी युनि छूट जाए। तो कहते हैं उस सांप ने महात्मा को काटा नहीं, उन्होंने उसकी बात सुन ली, ध्यान से सुन ली, ध्यान से सुन ली तो उद्धार हो गया। लेकिन साथ में एक आदमी था, कह लगे महाराज इस सांप ने तो आपकी बात समझ ली। कैसे समझ ली? सांप तो नहीं समझ सकता। कह लगे अगर ये भी आदमी होता तो नहीं समझता। समझते इस बात को, ये भी आदमी होता तो नहीं समझता, सांप था इसलिए समझ ली। इस बात से तुम कहाँ जाओगे, क्या सोचोगे? यानी कि कहने का मतलब है पशु जीव जंतु भी बात को समझ लेते हैं, आदमी नहीं समझता क्योंकि वो आदमी है। आदमी का होना ये मतलब नहीं है कि सांप जीव जंतु से भी नीचे चला जाए। आदमी है तो उसने समझ लेनी चाहिए बात, लेकिन नहीं समझते। अब ये समझ तो है आपके पास, पालन नहीं है, यही है कि नहीं समझना। जब तुम्हारे पास समझ हो उसका पालन कर लो तो समझो तुम्हारी समझ पक्की है, तुमने समझ लिया है, तुम मनुष्य बन गए हो। तो एक एक बात ठीक बताऊं तो एक बात भी पकड़ लो, जैसे सांप ने एक ही तो पकड़ी थी, उसका उद्धार हो गया, एक ही बात सुनी थी। हम तो पता नहीं कितनी बातें बताते हैं, एक भी तो नहीं पकड़ते, एक पर भी तो अमल नहीं करते, क्योंकि तुम आदमी हो, तुम विचारमान हो, तुम अपना मतलब देखते हो, तुम अपना स्वार्थ देखते हो, तुम अपना अहंकार देखते हो, तुम अपने मतलब की बातें करते हो। समझते इस बात ने? अगर कहे हुई बातों में तुम अपना मतलब ना निकालो तो तुम समझ जाओगे, लेकिन हर एक बात में चाहे कैसे भी परमार्थ की बात हो, परोपकार की बात हो, तुम अपना मतलब देखते हो, उस मतलब के अनुसार चलते हो तो बात गई। वैसे भी तो बोलते हैं संसार सारा मतलब का है, सारा संसार मतलब का है, मैं मतलब का, तुम मतलब के, पति पत्नी मतलब के, भाई भाई मतलब के, और बाप बेटा मतलब के, सभी मतलब के बताते हैं। यहाँ तो ये तो कहावत तुमने सुनी होगी, खूब सुनी होगी ना, तुम भी जानते हो इस बात को कि संसार मतलब का है, अपने मतलब को देखता है, श्रेष्ठ जो समझ उसको नहीं पकड़ता, जिससे उसका उद्धार होता है उसी बात को पकड़ता है जिससे उसका नुकसान होता है। ये है तुम्हारा आदमीपना, जिसमें मतलब है, स्वार्थ है, अहंकार है, कुछ का कुछ भरा पड़ा है, तुम उसको पकड़ लेते हो, तुम जो उल्टे उल्टे कामों में चले जाते हो। ऐसे ही एक फकीर गले में भिक्षा मांगने के लिए गया, अलख जगाई तो एक भाई मजबूत सा जवान से निकल के आया घर से, कहने लगा कि महाराज आपको भीख नहीं मांगनी चाहिए, अट्टे कट्टे हो, नौजवान हो, कमा कर खा लो तो क्या हर्ज है, क्यों समाज पर भार बने हुए हो, तुम आप कमाओ तो दूसरों को भी दे सकते हो। देखो मैं खुद कमाता हूँ, सारा परिवार को पालता हूँ, बड़े प्रेम प्यार से हम मिलजुल कर रहते हैं। तो बात महात्मा ने समझ ली कि ऐसे ही लोग होते हैं ये, जो मतलबी किस्म के होते हैं, ऐसी बात करते हैं, इसको इतना गहरा मतलब ना होता था सीधा भिक्षा ही डाल देता, ये अपने मतलब में मेरे को शिक्षा दे रहा है। कहने लगे भाई तुम किस भ्रम में है, ये संसार तो मतलब का है। कह लगा मुझे तो मतलब का नहीं लगता, हम तो सभी प्रेम प्यार से रहते हैं, और पड़ोसी हमें तो ऐसे ही लगते सब प्रेम प्यार से रहते हैं, घरों में दिखता ना ऐसा ही सब बड़े प्यार से आपस में मिलजुल कर घोटम घोटा रहते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे के लिए मरते हैं, बड़ा प्रेम दिखता है। कह लगा ये भ्रम है, मन जाता नहीं आज यहाँ आश्रम में ठहरा हूँ, पास में आश्रम होगा कोई गांव में,
और अभी 20 दिन मैंने वहाँ ठहरने हैं, तो मेरे पास आ जाना, शाम को तेरे को समझाऊंगा। तो शाम को वो आदमी महात्मा के पास पहुंच गया तो महात्मा को प्राणायाम की विद्या आती थी। प्राणायाम की विद्या क्या कि अपने प्राणों को कपाली में चढ़ा ले, ऐसा हो जाए जैसे कि मर गया। तो महात्मा को वो विद्या आती थी, तो विद्या उसको भी सिखा दी, उस भाई को जो कहता था कि कमा के खा ले, वो विद्या सिखा दी। जब उसने विद्या सीख ली, जब वो कपाली खींचने लग गया, तो उसको कहा टाइम आ गया तेरे को समझाने का। कि क्या मतलब? कि यही समझाऊंगा कि संसार मतलब ही है। ऐसा करना, एक दिन जब सारा परिवार बैठा हो, कपाली खींच के पड़ जाना, ऐसा हो जाना जैसे मर गया, और मैं उसी टाइम वहाँ से गुजरूंगा। टाइम बता दिया होगा कि उस टाइम तुम अपना मूर्छा खींच लेना। तो उस आदमी ने ऐसा ही किया। अचानक जो है, जैसे ये बगड़ है, आंगन है, इसमें वो अपना कपाली खींच के गिर गया, जैसे मर गया। एक परिवार वालों ने सोचा कि तो मर गया, अब किसी के घर का कोई मर जाए तो कितनी रोहराट मचाते हैं, छाती पीटते हैं, सातल पीटते हैं, एक दूसरे को भी छाती पीटने लग जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, अनोखे काम ऐसे करते हैं, पर पूछो मत। तो थमते नहीं, थमे से भी सभी रोवे कि कमाई का साधन तो गया, हमारी जरूरत पूरी कौन करेगा। ऐसे ही माँ बोलती है, ऐसे उसकी पत्नी बोलती है, ऐसे उसके भाई बोलते हैं, बड़ी रोहराट मचा दी, जैसे कि उनका तो कोई खास चला गया। बड़ा प्रेम दर्शा रहे रो रो करके, कैसा प्रेम तो हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना कि भाई कोई नहीं रोए तो कहेंगे इसको तो लागी नहीं, इसलिए रोना पड़ता है। लेकिन लागा लोगा कुछ नहीं, सब अपनी जरूरत को रोते हैं, जरूरत घट जाती है तो रोते हैं। कोई गया है कोई मतलब नहीं है, 100 बार जाओ जरूरत पड़ जाए। तो इतने में वो महात्मा आ गया उनके आंगन में, कहने लगे अरे क्या हो गया भाई कि ये जवान लड़का आज, ये हमारा तो रोजी का साधन था, ये गुजर गया, क्या करें। अब प्रेम करते दिखाई देते हैं, नाम रोजी का लेते हैं, मतलब तो यहीं पर दिखाई देता है अपने सुख का, कि क्या करें, करूं क्या, इसको तो मैं जिंदा कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, एक पानी का लोटा ले आओ, उसमें मैं थोड़ा सा जहर मिलाऊंगा, जो उस जहर को पी लेगा उसकी तो मृत्यु हो जाएगी और ये लड़का जिंदा हो जाएगा। अब उसकी माँ को बुलाया, माँ ही प्रेम करती है, कहते हैं माँ की ममता बड़ी होती है, लेकिन परीक्षा की बात पर ममता तो उड़ जाती है, क्योंकि मतलब होगा कहीं से, जरूर होगा, नहीं तो क्यों उड़ेगी। तो माँ को बुलाया, फकीर ने कहा कि ले ये जहर का पानी है, ये पी ले, तू तो मर जाएगी, तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। बस ऐसा सुनते उसके तो होश उड़ गए, अब क्या करूं, बेटा जिएगा तो मैं मरूंगी। कहने लगी मैं तो नहीं मरती, क्या फायदा, मैं जीऊँगी तो ये जिए, मैं मरूंगी तो ये जिएगा, और फिर परमात्मा के करने को कौन टाल सकता है। अब ज्ञान आ गया, अब परमात्मा के करने को कौन टाल सकता है। अब तो कह रही थी हाय क्यों मर गया, हाय क्यों मर गया, अब कह रही है परमात्मा के मरने को कौन टाल सकता, तो मर गया तो मर गया, मैं तो जहर नहीं पीऊँगी, अपने बेटे के लिए अपना प्रेम नहीं दिखा सकी, बलिदान नहीं कर सकी, खुद नहीं मर सकती, उसको जीवन दान नहीं दे सकी। तो फिर उसके पिता को बुलाया कि ले भाई तुम पी ले ये लोटा जहर का, तो मर जाएगा, तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। कि मैं भी कैसे मरूं, मेरे 2 बेटे और हैं, वो काफ़ी, एक मर गया तो क्या हुआ, परमात्मा की मर्जी, उसकी फसल है, काटो चाहे राखो,
अब ज्ञान आ गया ना, मतलब आया तो ज्ञान आ गया, बात को नहीं समझते तो मतलब आ जाता, समझ चूक जाती है। उसने भी मना कर दिया, उसकी पत्नी को बुलाया, पत्नी ने भी मना कर दिया कि क्या लाभ है, ये भी जी जाता हो मैं भी जी जाती हूँ तो ठीक है, मैं मर गई तो उसके जीने का क्या लाभ है, मेरे को क्या लाभ है, अपना लाभ अपना मतलब। तो उसने भी नहीं पिया, तो वो सुन रहा था जिसने कपाली खींची थी कि तो सही में बाबा ठीक कहते थे, सब मतलब का संसार है, सब झूठे रोते हैं, सब झूठी जप्फी भरे बैठे हैं, तो सब मतलब के हैं, अपने अपने मतलब के हैं, मैं तो बेकार में अपने आप को खपाए जा रहा था, इसमें तो सारे के सारे जो चोस रहे थे मेरे को। तो उस बाबा ने फिर कहा कि ठीक है तुम ना पीते तो मैं पी लूँ, मेरे पीने से भी ये जिंदा हो जाएगा। कहेंगे हाँ बाबा तू पी ले, तेरे कुछ नहीं आगा पाछा, तेरे बच्चे ना पत्नी ना भाई ना कोई भी ना, तेरे मरने से कोई हर्ज नहीं है, पी ले। बस वो अब देखते इस बात को, उनका जीवन उनका स्वार्थ उनका प्रेम कहाँ है, इस आदमी की समझ कहाँ है, जिसने उनको जिलाया उसी को कहते हैं पी ले, जो कुछ नहीं कर सकते तो वो पी नहीं रहे, सारा का सारा मतलब का जमाना। ये ना सोचो कि तुम मतलब का जमाना नहीं है, तुम बेशक से कितना ही प्रेम जताते हो, रिजर्वेशन तुम्हारी अपनी खुद की है कि हमारा सुख ना बिगड़ जाए, मतलब ना बिगड़ जाए, स्वार्थ ना बिगड़ जाए। तो वो चेला समझ रहा था सुन रहा था, वो तो झट उठा, उन्हें क्या पता था कि ये झूठी बात कर रहा है, तो लोटे में थोड़ी सी राख डाली हुई है, जहर नहीं डाला है इसने। कहला गया ठहरो गुरु जी तुम ना पीना मैं उठता हूँ। बस वो उठ लिया, उन्हें समझा कि गुरु मर जाएगा, प्रेम तो ये है, खुद उठ लिया कदम गुरु ना मर जाए। तो गुरु के भाग का लोटा हाथ में पकड़ा, कहने लगे भैया इसमें तो राख थी, मैं तो परीक्षा ले रहा था इनकी, तुम्हारे सामने दिखा रहा था, सब मतलब का संसार है, मैं क्यों मरूं, मेरा तो मतलब तुमको जुआना है और खुद भी जीना है, मैं नहीं ऐसा करूँगा। को उस आदमी को उस व्यक्ति को जो भिक्षा देने से मना कर गया था, ज्ञान हो गया इस बात का कि सब मतलब के हैं, और घर बार छोड़ के बाबा के साथ चलने के लिए तैयार हो गया कि महाराज मैं नहीं रहूँगा यहाँ पे। तब अगली विद्या शुरू होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बात मैंने तुमको बता दी तो तुम्हारा अपने संबंधों को ख़त्म कर दो, अपने परिवार को छोड़ दो, घर बार को छोड़ दो, कमाना छोड़ दो और फकीर हो जाओ इस बात को लेकर के संसार सारा मतलब ही है, ये नहीं कह रहा। मैं तो सिर्फ इतना बता रहा कि संसार मतलब ही है, तुम अपना सुधार कर लो, तुम अगर मतलब ही हो तो अपना जो पासा पलट लो, तुम मतलब ही ना रहो। मेरा कहने का मतलब यही है, यहीं तक तुमको लाना था कि मतलब ही हैं तो हम अपने आप को बदलना चाहिए, हमारी समझ पैदा हो जाना चाहिए कि आप लोगों को बदल लो, छोड़ने छाड़ने की कुछ भी जरूरत नहीं, अपने आप को बदल लो खाली। कहते ना इस बात को सुनकर तुमको ऐसा छोड़ के भाग लो कि संसार तो मतलब ही, ऐसा नहीं कह रहा मैं, कह रहा हूँ अगर तुम मतलब ही हो, इतना पता चल गया है, अगर संसार मतलब ही है इतना पता चल गया है, तो इस संसार ने तुमने तुम्हारे परिवारों ने अपना मतलब छोड़ देना चाहिए और प्रेम से रहना शुरू कर देना चाहिए, उस बात को पीछे छोड़ दो, यही ज्ञान काफी है कि हम मतलब ही हैं, अब आगे तुम अपने सुधार की प्रक्रिया शुरू करो, अब प्रेम में आ जाओ, अब एक दूसरे के लिए जीना शुरू कर दो, एक दूसरे के लिए विचारना शुरू कर दो, समझते हो ना, कर दोगे इस तरह से। एक और कहानी सुनाऊँ इसमें दूसरे के लिए जीने की। एक बार की बात है कि शिवजी महाराज और पार्वती की शादी होनी थी, शादी हुई नहीं थी, तो वो भेष बदल कर उसको पार्वती को देखने चला गया, देखता हूँ कैसी है कैसे गुण है। आज भी तो करते हैं ना बच्चे बच्चे लड़के लड़के, तुम सेट कर देते हो तो छुप छाप के वो देख के आते हैं, तो शिव जी यूँ छुप छाप के अपनी पार्वती को देखने चला गया कैसे हैं कैसे उसमें गुण हैं। तो पार्वती एक गुफा में रहती थी, साधना किया करती, तो शिव जी साधु का भेष बना करके वहाँ गया कि कहने लगा मैंने तो उस लड़की के दर्शन करने हैं, देखनी है वो साध्वी है कैसी साध्वी, एक बार दर्शन तो कर लूँ।
तो वहाँ गेट पर दो चार लड़कियाँ और थी। कहे महाराज ऐसे तो नहीं चलेगा, वो तो समय पर निकलती है गुफा से, अब 24 घंटे के लिए वो नहीं निकलेगी, 24 घंटे के लिए आपने इंतज़ार करना पड़ेगा। तो 24 घंटे क्या है, प्रेम की बात है, मैं इंतज़ार करूँगा। तो ये भी तो बात है, प्रेम में इंतज़ार करना भी मुश्किल हो जाता है। बीच में ही कह उठा, नहीं मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं तो तालाब में नहा लूँ। जब तक तालाब में नहा लूँ, वो तालाब की तरफ गया तो उसमें एक कमल का फूल था। उसने समझा, कहते तो यूँ है कि सोने का फूल था वो कमल का, लेकिन फूल तो सोने के नहीं होते, कहानियाँ हैं समझाने के लिए, और ज़्यादा ना लें, समझ निकाल लें। तो वो तालाब में घुस गया और उस फूल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, तो वो फूल और आगे सरक गया, वो फूल तोड़ने में नहीं आया, उसके हाथ में नहीं आया, तो वो डूबने लग गया, आगे ज़्यादा पानी था। कहते उसको तैरना नहीं आता था, हाथ पार मारने लगा, तो जो सखियाँ थी उसकी, पार्वती की, वो भागी उसको बचाने के लिए। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे हाथ नहीं लगवा सकता, मैं तो साधु हूँ, मेरा अगर तुमने हाथ लगा दिया तो मेरा जो है साधुपना खंडन हो जाएगा, मेरा ब्रह्मचर्य खंडन हो जाएगा, तुम मेरा हाथ नहीं लगा सकते, तुम मेरे का हाथ नहीं लगा सकते, मेरा डूबना मंजूर है, मैं तो डूबूंगा। वो तो लीला रच रहा था डूबने की, तो उन्हें देखना तो पार्वती को था। कहते ना प्रेम में सब कुछ जायज़, जोड़ साज सब कुछ जायज, वो भी ऐसे ही कर रहा था। लेकिन ये जायज नहीं है कि प्रेम में किसी की गर्दन काट दो, किसी का कुछ कर दो, ये जायज नहीं होता है। कहते तुम जैसा जायज समझ कैसा कर बैठते हैं, तो कैसे किसका हाथ लगवाओगे, फिर किससे बचोगे, तुम तो डूबे जा रहे हो। कहने लगा वो पार्वती जो है, जिसको तुम तपस्वी कहते हो, वो मेरे को निकाल सकती है बस, और कोई नहीं निकाल सकता। तो उसको बुला गया एमरजेंसी में, एमरजेंसी लागू हो गई ना, एमरजेंसी में जो है वह पार्वती तालाब के अंदर गई और उसको पकड़ना चाहा, बचाना चाहा। उसने अपना बायां हाथ कर लिया उसको बचाने के लिए, बायां हाथ कर लिया तो शिवजी ने मना कर दिया कि बायां हाथ मैं नहीं लगवा सकता, मैं तो दायां लगवा सकता हूँ, बायां तो माया का हाथ बताते हैं, मैं नहीं लगवा सकता बायां हाथ, बायां हाथ माया का बताते, मैं नहीं लगवा सकता। वो कहने लगी दायां मैं भी नहीं लगाऊँ, मैं भी दायां लगाऊंगी, दायां मैं भी नहीं लगाऊँ, बायां ही लगाऊंगी, बचना हो तो बच ले। कहने लगा मत बचा, डूबूंगा मैं तो, मत बचा, बेशक से पकड़ना है तो मेरे को दायां हाथ से पकड़। कह लगा ऐसी क्या बात है कि दायां से नहीं पकड़ती, कि मेरा जो पति है शिवजी है, मन मन मैंने उसको धारण कर रखा है, ये हाथ उसी को स्पर्श कर सकती हूँ, दूसरी को स्पर्श नहीं कर सकती, मैंने तो अपना हाथ समर्पित कर रखी है, किसी को हाथ लगा नहीं सकती, ये हाथ तो शिव जी का है। कह लगा लगाती हो तो ये लगा ले, नहीं तो मैं डूबूंगा। डूब तो उसका पति ही रहा है, लेकिन आपस की एक लीला है उनकी, तो ठीक है। पार्वती मुश्किल में पड़ गई है, धर्म संकट में, कि अब इसको बचाऊं तो पति व्रत खंडन हो, ना बचाऊं तो ये डूबे। वो जीवन पर चली गई कि कुछ भी हो मैंने इसको बचाना है, चाहे मेरा पति व्रत जो धर्म वो खंडित हो जाए, लेकिन मेरे लिए जीवन बड़ा है, बचाना बड़ा है, देखी जाएगी जो कुछ होगा। उसने दायां हाथ पकड़ के उन्हें निकाल लाई, दायां हाथ लगा के दायां हाथ से पकड़ कर उसको निकाल लाई। तो निकाल लाई तो बाहर आ करके शिव जी ने सवाल कर दिया कि क्यों पकड़ के लाई, जब तेरा पति व्रत धर्म खंडित होता है क्यों पकड़ के लाई। कहने लगी तेरा जीवन जा रहा था, पतिव्रत धर्म का क्या है, पति तो फिर मिल जाएगा मेरा, अगले जन्म में फिर तपस्या कर लूँगी, फिर हो जाएगा काम ऐसा ही। शिव जी ने कहा फिर भी ऐसे ही कोई डूबने वाला मिल गया तो। कहने लगा फिर भी यही करूँगी, क्यों करेगी, कि मैंने किसी की जान बचानी है, फिर उससे भी आगे ऐसा हो गया तो, कि फिर भी उसी को बचाऊँगी, चाहे मेरा पतिव्रत धर्म खंडित हो जाए, चाहे मैं सदा कुंवारी रहूँ, मैं तो ऐसा ही करूँगा। अगर अनंत काल तक ऐसा हो रहा तो फिर भी ऐसा ही करूँगी, मेरे को दूसरे को बचाने से मतलब है, अपने अपने जो मतलब से मतलब नहीं है। फिर उसने अपना स्वरूप ले लिया कि प्रकट हो गया कि शिवजी महाराज तो सामने खड़ा है।
ये प्रेम की बात समझा रहा हूँ कि अपना मतलब पार्वती नहीं देखा, दूसरे का जीवन देखा। हम क्या देखते हैं? अपने मतलब को देखते हैं। अपनी जान बीस पर जाओ जाती रहे, लेकिन उन्हें बचाना मतलब था जीव को। ऐसी सदा भावना आपके अंदर आ जाए तो तुम्हें कोई नहीं मार सकता, तुम सदा सभी को जीवा सकते हो। तुमने तो पा लिया अपने आप को, तुम मर नहीं सकते। फिर किसी को जिवाते हुए चाहे तुम्हें लगे कि मर जाऊंगा, मर नहीं सकते, क्योंकि तुमने स्वरूप को पा लिया, तुमने प्रेम को पा लिया। प्रेम कभी मर नहीं सकता है। तो दो तीन बातें मैंने बताई आपको कि सत्संग अच्छी चीज है, लोक भी बनता है, परलोक भी मिलता है, नाम मिल जाता है, साधन मिल जाता है, विधि मिल जाती है, कष्ट सब दूर हो जाते हैं, ऊपर से उतर जाते हैं, जैसे आंधियाँ पर्वतों के ऊपर से उतर जाती हैं, पहाड़ों के ऊपर से आंधियाँ उतर जाती हैं, ऐसे तुम भी पहाड़ जैसे हो जाओगे। आंधियाँ आएंगी, ऊपर से गुजर जाएंगी, तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगी, और मृत्यु के समय तुम्हारा सुख होगा, अगले लोक में मिलोगे। और अच्छी कमाई कर ली तो फिर दोबारा अच्छे रूप से यहाँ भी आ जाओगे, चाहो तो वहाँ रेस्ट कर सकोगे आनंद से। ये ना सोचो कि ये पृथ्वी लोक ही है, सब कुछ है। जो ध्यान करने वाले हैं उन्होंने दूसरे लोक दिखाई देते हैं, वो उनके अंदर जाते भी हैं और वापस भी आ जाते हैं। ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। नाम की बड़ी महिमा है। सुधा सरोवर शून्य शिखर में चढ़ उधर उन पी लेना जिन्हें नाम रसायन कर लेना। सुधा सरोवर शून्य शिखर में चढ़ उधर उन पी लेना जिन्होंने नाम रसायन कर लेना। अंतर ज्योत घट घट में रोशन मन को कर लेना जिन्हें नाम रसायन कर लेना। नाद नगारे बजे गगन में और विलय आनंद में कर लेना, विलय आनंद में कर लेना। एक रस रह सचेतन में धाम अपन को कर लेना। प्रेम घटा चढ़ी रे दिल में शीश बलि कर देना। प्रेम में शीश बलि हो ही जाता है, ये शीश हमारा नहीं रहता, ये और किसी का हो जाता है। जब तक तुम्हारा ये शरीर अपना है, ये सिर अपना है, समझ अपनी है, सब कुछ अपना है, जब तक बात बनेगी नहीं, थोड़े से दूसरों के लिए भी हो जाओ, 100 में कम से कम 10% हो जाओ, 100 में 10% भी तुम दूसरों के लिए जीना शुरू कर दो तो तुम्हारे घरों में कलेश हो ही नहीं सकता, तुम आपस में लड़ नहीं सकते, तुम दुख हो ही नहीं सकता। प्रेम तुमको भीतर से भरता जाएगा। 10% ही 100% हो जाएगा। प्रेम बदरिया अद्भुत बड़ी बरसे और बढ़ती जा। प्रेम की बदली तो ऐसी है जो बरसती है और बढ़ती जाती है। ये बादल नहीं है जैसे बरस के तो खत्म हो गए। प्रेम की बादल तो ऐसा है कितना भी बरसो, कितना ही बरसो, उतना ही भरता जाएगा। प्रेम बादल भरता जावे कितना ही बरसो चाहे। तो प्रेम की साधना करनी होगी, हर एक चीज की साधना करनी होगी। अगर समझ आपके पास है, इसको टिकाऊ बनाना होगा। समझ आपके पास सर पालन नहीं कर पाते, इसका मतलब वही है। फिर दोबारा कहता हूँ, इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ छुपा है, तुम्हारा कोई मतलब छुपा है। अगर मतलब ना छुपा हो तो तुम्हारी समझ पक्की हो जाएगी। समझते ना, इसको संकल्प भी समझ के साथ चाहिए। संकल्प माने इरादा, तुम्हारे अंदर ठहराओ कि तुम हिल ना सको, तुम्हारी समझ तुमको हिलने ना दे, तुम बिल्कुल ठहरे हुए हो जाओ। इस ठहरे हुए होने के लिए आपके अंदर एक संकल्प और पकाना होगा, इरादा, कि जो चाहूँ वो करना है, जो ना चाहूँ वो नहीं करना है। संकल्प का मतलब ये है, अच्छी तरह से समझाऊँ। माना कि एक आदमी है, बीड़ी पीता है, शराब पीता है, और उसको मैं कहूँ कि भाई उसको समझ क्या नहीं है, उसको समझ पक्की है कि बीड़ी पीना ठीक नहीं है, उसको समझ पक्की है कि शराब पीना भी ठीक नहीं है, लेकिन वो पीता चला जाता है। इसके बीच में उसके पास संकल्प हो, ठहराव हो, तो वो पीने से अपना मना कर सकता है। खुद को ही मना नहीं कर पा रहा, देखो कैसी अजीब बात है। खुद को ही नहीं मना कर रहा, कितना कमजोर आदमी है। खुद तो मना कर ले अपने आप को, दूसरे को मना करने में सारी ताकत लगाता है। अगर अपने आप को मना करने में सारी ताकत लगाते तो उसको जीवन सुधर जाए। एक आदमी मेरे पास आ गया एक दिन, कहने लगा शराब छोड़नी है।
धूम्रपान छोड़ना है, कल गया एक छोड़ ले, कोई सी शराब छोड़ ले। तो धूम्रपान शराब से भी बुरा है, शराब तो छोड़ देते हैं लोग, धूम्रपान नहीं छोड़ते, ये उनको बुरी आदत नहीं लगती, लेकिन सबसे बुरी आदत है, आदत ही बुरी चीज़ है। आदत पड़ गई तो आदत ही बुरी चीज़ है, बीड़ी बुरी चीज़ नहीं है, धुआं बुरी चीज़ नहीं है, आदत बुरी चीज़ है, उसको पीने की आदत जो है वो आदत बुरी चीज़ है। आदत को मत पकड़ो, आदत के बैल मत बनो। तो उसने क्या हुआ, मैंने कहा ऐसा कर तो संकल्प कर सकता है कि इरादा बना सकता है आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊँगा। कल गया ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, कई बार कर चुका, तो एक बात कर, तो दो दिन का संकल्प कर सकता है, दो दिन का, कि ऐसा मन में बना ले कि दो दिन शराब नहीं पीनी। कहने लगे तो आसान काम है, दो दिन तो नहीं पीऊँगा, लेकिन दो दिन नहीं पीवेगा तो पी लेना तीसरा दिन जब निकले, लेकिन फिर मेरे पास आ जाना। उन्हें दो दिन नहीं पी, तीसरे दिन फिर पी ली, फिर मेरे पास आया, तो अगली बार ऐसा करना कि तीन दिन मत पीना। तो उसने क्या किया, वो बात मान ली, तीन दिन नहीं पी। इसलिए से आता रहा, मैंने हफ्ता बढ़ा दिया, 15 दिन बढ़ा दिया, महीना बढ़ा दिया, आखिर में कह लगा मैं अब नहीं पीऊँगा। ये उसका जो संकल्प है ये बड़ा हो गया धीरे धीरे, पहले तो छोटा था, दिन बढ़ाते बढ़ाते उसका संकल्प, उसका इरादा, उसकी जो भीतर की साधना वो बढ़ती गई, बड़ी हो गई, वो उम्र से बड़ा हो गया उसका संकल्प। अब महीने दो महीने का हो गया, तो फिर एक दिन फिर कहने लगे अब तो मेरे को शराब की महक से भी डर लगता है, कोई शराबी पास में बैठ जाए, कोई धुम्मे वाला पास में बैठ जाए तो मैं दूर भाग लेता, मुझे बहुत बुरा लगता है। ये क्यों हो गया, उसने जो नए पीने की कसम खाई थी दो दिन की, जो नए करी थी वो नए उसके प्राणों में बैठ के जागे, वो जो नए उसने लगातार दोहराई, वो नए 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 सारी दो दिन की, नए चार दिन की, नए पाँच दिन की, नए महीने की, नए वो जो नए है ना, जो संकल्प है नए पीने का, उसके प्राणों में गहरे जा बैठा। अब प्राण ही इतने चेतन हो गए कि नहीं पीऊँगा, अगर धुमा भी दिख जाए तो शराब की महक भी दिख जाए तो उसका प्राण, उसका मन ही रिएक्शन करता है, दूर जा बैठता है। तो साधना तो करनी होगी, चेतनता के साथ तुमने साधना करनी ही होगी। अगर तुमने कोई चीज़ सिद्ध करनी है, कोई आदत छोड़नी है, उस आदत को छोड़ने की तुमने साधना करनी ही होगी, समझते हो। अगर साधना ना करो तो वो नहीं छूटेगी, साधना करोगे तो छूट जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। कोई आदत तुम नहीं छोड़ सकते, कोई बुराई तुम नहीं छोड़ सकते, लगातार छोड़ने के लिए चेतन रहो तो छोड़ सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लगातार चेतन रहना होगा कि ये नहीं करना है, कर जाओ तो फिर चेतन हो जाओ धीरे धीरे, तो ना है वो तुम्हारे प्राणों में बैठ जाएगी, तुम्हारा प्राण ही ना रूप हो जाएगा, फिर ऐसा नहीं कर सकोगे। तुमने कभी नाटकों में देखा होगा, फिल्मों में, मैंने देखा एक दिन, एक आदमी था, उसने जो एक नाटक करना था काना होने का, काना जैसे एक आँख मिचा, उस सीन ऐसा ही था कि उसने एक आँख मिची हुई रखनी थी सारे सीन में, सारे फिल्म में। तो मैं देखता रहा, एक बार भी तो वो आदमी नहीं चूका, हर सीन में, पूरे सीन में उसकी एक आँख मिची रही, खुली नहीं, एक खुली रही, एक मिची रही। वो एक क्यों मिची रही भाई, उसकी चेतना वहाँ थी कि एक आँख नहीं खुलनी, समझे नहीं। अगर उसकी चेतना उसके साथ ना रहती है कि आँख नहीं खोलनी, तो वो आँख खुल जाती, तो चेतना उसने अपनी आँख के साथ रखी, अपने साथ रखे कि आँख ना खुल जाए। ये चेतना तुमने अपने साथ रखनी है कि ये चीज़ खड़ी ना हो जाए, ये आदत खड़ी ना हो जाए, ये बुराई खड़ी ना हो जाए, ये मतलब खड़ा ना हो जाए। चेतना रखोगे तो तुम सफल हो सकते हो, चेतना नहीं रखोगे तो मेरे समझाने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा टाइम बर्बाद, मेरा टाइम बर्बाद। लेकिन धीरे धीरे फिर भी स्कूल में, स्कूल है ये, फिर भी आना ठीक है, फिर भी समझाना ठीक है, कभी न कभी तो सफलता मिलेगी, ठीक है। इतना सत्संग, बहुत सच्चेतन।